नमस्कार दोस्तों, सीधे पॉइंट पे आता हूँ मैं। केरला में बाढ़ आई हुई है और जिस तरह की वहाँ की जिंदगी तहस नहस हुई है वो आप सबको अच्छे से मालूम है। मतलब इतनी बुरी हालत, सब कुछ अफेक्ट हो चुका है, लोग घरों से बाहर हैं, बुरी तरह से रोड पे घूम रहे हैं, हाइट पे हैं, पेड़ पे हैं, कैसे करके अपनी जिंदगी को बचा रहे हैं। 94 साल, जी हाँ, 94 ईयर्स में इतनी तेज बारिश हुई है। आज से 94 ईयर्स पहले 1924 में इतनी तेज बारिश हुई थी और अब फिर यहाँ पे 2018 में तेज बारिश हुई है जिसके चलते पूरा पूरा केरल बाढ़ में डूब चुका है। जी हाँ, केरला में जो टोटल यहाँ पे 14 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, वहां से 13 तो एकदम रेड अलर्ट पे ही हो चुके हैं और आई थिंक अभी सुबह होते होते 14 का नंबर भी लग गया होगा। सारी जगह पे, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट प्लेस हो, हर जगह में पानी एकदम भर चुका है और बहुत बुरी हालत है। इंसान परेशान है, जिंदगी परेशान है, जानवर परेशान है, घरों के फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक पानी भर चुका है। बहुत बुरी स्थिति है, मतलब बहुत ही बुरी स्थिति आ चुकी है। केरला की अपना एक स्ट्रगल है, एक अपना अलग ही स्ट्रगल है केरल का। कुछ समय पहले आपने सुना होगा वहां पे नेपाल वायरस का हुआ था कांड और उस वायरस ने कितना आतंक मचाया था, ये भी आपको अच्छे से मालूम होगा, नेपाल वायरस। और एक दिक्कत से केरल निकला और दूसरी दिक्कत सामने खड़ी हो गई जिसका नाम है वहां पे बाढ़। बहुत बुरी स्थिति है, मतलब लोगों की जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तबाह हो रही है। और क्या बताऊं यार, मैं 94 साल में ये हालत बनी है फिर से एक बार केरल में और पूरा देश आज उनकी हेल्प करने के लिए टूट पड़ा है। पूरे देश को टूटना पड़ेगा और हेल्प होनी भी चाहिए वहां पर केरला की। वहां के जो CM है विजयन सर करके, उनके हिसाब से अभी तक, जी हाँ अभी तक, बाढ़ के चलते 8,316 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो तहस नहस बर्बाद हो चुकी है। जी हाँ, 8,316 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। करंटली अगर मैं बोलूँ आपसे, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से, उन्होंने खुद बताया है अपने इंटरव्यू में, करीब करीब 324 से ऊपर लोगों की डेथ हो चुकी है और ये वो लोग हैं जिनकी लाश सिर्फ पानी के ऊपर मिली है, जो नीचे दबे कुछ लोगों के तो नंबर अभी पता ही नहीं है कुछ भी। मतलब जब पानी हटेगा तो नीचे जो लोग दबके मरे हैं उनके नंबर का भी कोई एस्टिमेट है ही नहीं है, लेकिन फिर भी 324 के ऊपर डेथ हो चुकी है। 2,20,000, जी हाँ 2,20,000 ऊपर जो लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो होमलेस हो चुके हैं, उनका घर मर सब बर्बाद हो चुका है। 2,20,000 से ऊपर लोग परेशान है, कभी किसी शिविर में बैठे हैं, कभी किसी मंदिर में बैठे हुए हैं, कभी किसी पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। मतलब बहुत बुरी हालत हो चुकी है केरला की। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, केरल में जो आपकी 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, 14 में से 13 पे तो रेड अलर्ट जारी हो ही चुका है। बहुत बुरी स्थिति है और इस समय देश को सबसे ज्यादा काम ध्यान देना चाहिए वो है आपका केरला पे। केरला को पूरी उम्मीद है देश की हर प्लेस से, हर इंसान से, कहीं ना कहीं वो आपको उसकी हेल्प जरूर दिखाएगा। इतनी सारी दिक्कतें होने के बावजूद भी बिलीव नहीं करेंगे। इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये है कि इसके बावजूद भी लोगों को पॉलिटिक्स आ रही है। जी हाँ, पॉलिटिक्स एकदम अपने पीक पे आ चुकी है फिर से एक बार। लोगों को बड़ा मजा आ रहा है नेतागिरी करने में। सेंट्रल मिनिस्ट्री ने ये किया, इतने कम का लोन दिया, शिवाजी की मूर्ति के लिए इतना लोन दिया गया था, केरला के लिए इतना कम लोन दिया गया है। सेंट्रल की जो सरकार वो बेकार है, बीजेपी ये बीजेपी वो, वहां पर गाय की मौत हुई थी, गाय को काटा गया था इसलिए भगवान का प्रकोप आया है। मतलब यहां भी लोगों को नेतागिरी ही करनी है। अरे सेंट्रल खराब है भाई, बीजेपी खराब है, इस मैटर पर बात एक महीने बाद भी हो सकती है यार। 2019 अभी आया नहीं है, सरकार भी जाने वाली नहीं है, अभी टाइम है आपके पास में, तो आप यहाँ बैठ के भी उनको कोसना बंद कीजिए और प्री लोगों की हेल्प कीजिए। मैंने हेल्प की है, आप भी हेल्प कीजिए, सबको हेल्प करनी ही पड़ेगी आज यहाँ पे, वरना कल के दिन आप अगर किसी की हेल्प मांगेंगे और कोई आपको हेल्प ना करे तो कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं हो जाएगी। तो प्लीज़ ये सब बंद कीजिए यार, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी ने ये किया, बहुत कम लोन दिया, दे पोस्ट पर पोस्ट चल रहा है बिल्कुल, इनको अभी भी पॉलिटिक्स ही सूझ रही है। अरे बीजेपी को बाद में भी कोस सकते हो यार, मोदी जी के बारे में बाद में ही बात हो सकती है, सरकार के बारे में बाद में ही बात हो सकती है। 2019 अभी टाइम है, थोड़ा रुक जाओ, कुछ अच्छा काम कर लो, बाद में आपकी अदालत में उसको बुला लेंगे यार। लेकिन नहीं, हमें बस यही करना है पूरी तरह से। और बिल्कुल लोग लगे हुए हैं, मैंने देखा, मतलब बिल्कुल लगे हुए हैं यार, एक रुपये की हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स करने में सबके सब नंबर वन है। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन उस पार्टी के बारे में, नेताओं के बारे में बात बाद में भी हो सकती है। तो प्लीज आप सब लोग हेल्प कीजिए, मैंने हेल्प की है, मैंने भी हेल्प की है, आपको भी हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पे केरल आज पूरी इंडिया से हेल्प मांग रहा है, पूरी इंडिया से, बहुत बुरी हालत हो चुकी है वहां पे। आप जो चाहे आप वो हेल्प कीजिए, मैं नहीं बोलूंगा, बहुत बड़ी हेल्प कीजिए, जितना अमाउंट आप पे बन सके, जितना भी अमाउंट आप पे बन सके, 10 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, जितना भी आप अमाउंट बन सके, प्लीज हेल्प कीजिए केरल की, प्लीज हेल्प कीजिए। राइट नाउ इंडिया की अगर मैं बोलूं आपसे, पॉपुलेशन 135 करोड़ के ऊपर है, इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ के ऊपर है इंडिया की, 15 अगस्त का एग्जैक्ट फिगर है ये।
और केरल की जो पॉपुलेशन है वो करीब करीब है 3.5 करोड़, मतलब 35 मिलियन बोले तो 3 से 4 करोड़ के बीच में पॉपुलेशन सिर्फ केरल की। अगर मैं केरल की पॉपुलेशन हटा भी दूं इंडिया से तो इंडिया में नेट पॉपुलेशन बचती करीब करीब 130 करोड़। जी हाँ, और चलो ठीक है यार, मैं तो उसमें से ही बोल रहा हूँ, अगर 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको नेतागिरी करनी है उनको भी छोड़ो, उनको भी छोड़ दो, गोली मार दो, फिर भी 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हेल्प कर सकते हैं केरल की। और 100 करोड़ लोग अगर 1-1 रुपए भी देंगे तो वो बन जाते हैं 100 करोड़, 5-5 रुपए 500 करोड़, 10-10 रुपए बन जाते हैं 1000 करोड़। और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत ज्यादा मैटर हो सकता है इस केस में। तो प्लीज ये नेतागिरी बंद कीजिए, इसकी बुराई करना उसकी बुराई करना, जिंदगी भर यही तो किया है हमने यार, किसी की हेल्प भी कर लीजिए कम से कम। और आपको कहीं जाना भी नहीं है हेल्प करने के लिए, ऐसे नहीं कहीं लाइन में लगना है आपको, किसी नेता से मिलना है लाइन में लगना है, ऑफिस जाना है, कुछ भी नहीं करना है, आपके पास ऑप्शन है घर बैठे, घर बैठे ऑप्शन है। आप केरल के लोगों की हेल्प बिल्कुल कर सकते हैं आराम से, पेटीएम में नंबर 1 बोल रहा हूँ मैं आपसे, पेटीएम में एक ऑप्शन होता है, पेटीएम में नया अभी ऑप्शन ऐड हुआ है जहाँ पे केरला फ्लोट डोनेट करके ऑप्शन आता है, आप पेटीएम से सीधा उस ऑप्शन पे जाके अमाउंट भेज सकते हैं, और वो सीधा अमाउंट कहाँ जाएगा, सीएम डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में जाएगा, ये पेटीएम के द्वारा। अगर आपको पेटीएम भी नहीं करना है तो बहुत सारी फंडरी जो वेबसाइट है वो भी फंड करने में हेल्प कर रही है, एक नाम है कीटो करके, ये उसका पेज है, ये उसका इंटरफेस है, आप वहां पर भी जाके आराम से हेल्प कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, और ये पैसा भी सीधा जाएगा रिलीफ फंड में। अगर आपको ये भी नहीं करना है, अगर आपको ये भी नहीं करना है तो सीएम जो है केरल के विजयन सर, उनकी खुद की एक वेबसाइट बनाई गई है जहां पे हेल्प हो रही है लगातार लोगों को, उस वेबसाइट का नाम यही है सीएम डिस्ट्रेस रिलीफ फंड के नाम से, आप वहां पे जाके ये उसका पेज है ऐसा आपको दिखाई देगा, ये उसका इंटरफेस है, ये सब चीजें आप देख लीजिए अच्छे से, आप वहां पर भी जाके सीधा डोनेशन दे सकते हैं, जितना भी आपको देना हो, जितना भी आपको देना हो। अगर आपको चेक से भेजना है या कोई ड्राफ्ट वगैरह भेजना है तो भी आप इस एड्रेस का, जी हाँ इस एड्रेस का यूज करके वहां पर चेक या अमाउंट ड्राफ्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हेल्प चाहिए यार, मतलब रियली में हेल्प चाहिए, हेल्प के लिए आपको कहीं नहीं जाना है बॉस, कहीं भी नहीं जाना है आपको, बस आपको सिर्फ हेल्प करनी है, बस एक छोटा सा दिल और उस छोटे से दिल में एक प्यारी सी नीयत, बस इतना चाहिए, और हेल्प होनी चाहिए केरला की, मैंने की है आप भी कीजिए जो हो सके जितना हो सके, लेकिन प्लीज हेल्प कीजिए दोस्तों, केरला को बहुत ज्यादा नीड है इस वक्त पे, मतलब मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ प्लीज उनकी हेल्प कीजिए, थोड़ी देर के लिए प्लीज भूल जाइए बीजेपी कांग्रेस समाजवादी पार्टी ये पार्टी वो पार्टी, यहाँ ये हुआ वहां, थोड़ी देर के लिए प्लीज भूल जाइए, इस मैटर पे डिस्कशन 2 महीने के बाद भी हो सकता है, लेकिन लोगों की जिंदगी वहां पे फंसी हुई है, तो प्लीज उनकी हेल्प कीजिए। इंसानियत का सबसे बड़ा सबक आज आपको देने का मौका मिल रहा है जिसका नाम है किसी की मदद करना, मानवता इसी को बोलते हैं प्लीज, तो इनकी हेल्प जरूर कीजिए आप, चाहे जैसे भी हो सके, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर उनकी हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं तो ये भी बोल रहा हूँ, अगर आप हेल्प नहीं भी करना चाहते या अगर आप फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते हैं तो प्लीज इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, सबको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि एटलीस्ट कम से कम वो इंसान जिसको ऑप्शन पता नहीं है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हेल्प हो सकती है तो वो कम से कम हेल्प कर दे। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आप हेल्प नहीं कर सकते, ये भी एक हेल्प ही अल्टीमेटली प्लीज। जैसे अपन हनुमान जी की फोटो शेयर करते हैं, रामचंद्र जी की फोटो शेयर करते हैं, भारत माता की फोटो शेयर करते हैं और बोलते हैं कि मंगलवार को न्यूज अच्छी सुनाई देगी आपको, तो वैसे ही 10-10 लोगों को 20-20 जितना हो सके इसको व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कीजिए ताकि लोगों को ऑप्शन मालूम पड़े और हेल्प हो सके एट एनी कॉस्ट, बिल्कुल वैसी फोटो की जैसे। हो सकता है आपको मंगलवार तक कोई गुड न्यूज सुनाई ना दे, सही बात है सुनाई नहीं भी देगी, लेकिन रियली बोल रहा हूँ दिल में बहुत अच्छा फील होगा आपको, तो प्लीज हेल्प कीजिए इन लोगों की।